दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। दोस्तों अगर आप मनारा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ईशा को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ईशा का नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम आपको बता दें कि लाइव फीड में इन दोनों के बीच में यहां फाइट होती हुई नजर आ रही है। इस फाइट की बात करें तो इसमें यहां रिश्तों की फाइट है, जो कि यहां इन दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अब यहां तकरार हो रही है, क्योंकि यहां मनारा का कहना है कि आप मुझे नहीं रोक सकती हैं कि मैं किस से बात करूंगी और किस से बात नहीं करूंगी। वहीं यहां पर ईशा का कहना है कि मैं तुझे रोक ही नहीं रही हूं, मैं तो बस तेरी हकीकत तुझे बताने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर तू किस तरीके से है, तू आखिर क्या करती है और किस तरह से तू जो है कहीं ना कहीं यहां फंस रही है। हम आपको बता दें कि इसमें यहां बार बार देखने को मिलता है कि मनारा जो है ये कहना चाहती है कि अगर मैं अभिषेक से बात करना चाहूँ तो अभिषेक से करूँगी, अगर मैं यहाँ अरुण से बात करना चाहूँ तो अरुण से करूँगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अभिषेक के चलते एक बार फिर से यहाँ पर ईशा और मनारा के बीच में फाइट हुई है। दरअसल इस फाइट की बात करें तो यहाँ बड़ी फाइट हुई है अभिषेक और मुनव्वर के बीच में, जिसमें कि यहाँ आयशा और मनारा ने अभिषेक का साथ दिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुनव्वर ने जो इन दोनों को ही धोखा दिया था, या फिर दोनों को ही साथ में कहीं ना कहीं खेला था, उसी का बदला लेती हुई ये दोनों नज़र आ रही हैं और अभिषेक के साथ में हैं। अभिषेक यहाँ जब उससे लड़ रहे हैं तो दोनों ने अभिषेक का साथ दिया है, जो कि यहाँ ईशा को पसंद नहीं आया है, ईशा ने कहीं ना कहीं टोका है, इसीलिए इन दोनों के बीच में फिलहाल लाइव फीड में ये बहस होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ ईशा का यही कहना है कि भाई आपको जो करना है वो करिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मुझे तो बस लगा था कि आप गलत हो तो मैंने बस आपको यहाँ दोस्त की तरह सही रास्ते पर लाने की कोशिश करी थी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। साथ अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।